दोस्तों आज के इस ट्रांसफर न्यूज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज के बारे में। सबसे पहले अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट मेट्रो एफसी की तरफ से। और दोस्तों हाइलैंडर्स आईएसएल से पहले दुरान कप से पहले गुवाहाटी सी डिवीजन लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हाइलैंडर्स की रिजर्व टीम खेल सकते है। गुवाहाटी सी डिवीजन लीग की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मेट्रो एफसी के ग्रुप में उदयन क्रिस्टी हॉन्ग चानमारी एफसी लीजन स्पोर्टिंग क्लब और एसजी क्लब मौजूद है। आज नॉर्थ ईस्ट मेट्रो एफसी उदयन क्रिस्टी हॉन्गो के साथ अपना पहला मैच खेलेंगे। गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम पर दिन के 2 बजे से ये मैच शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप गुवाहाटी सी डिवीजन लीग की बात करें तो ये एक लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो गाइस इस टूर्नामेंट को हाइलैंडर्स को आसानी से जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी गाइस वी हैव टू वेट एंड वॉच टिल द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप। इस टूर्नामेंट से गाइस हाइलैंडर्स के रिजर्व प्लेयर्स को वो मैच शार्पनेस मिलेंगे व्हिच विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द अपकमिंग मैचेस। दोस्तों शुभम राभा इस टीम को मैनेज करेंगे। तो गाइस कीप एन आई ऑन नॉर्थ ईस्ट मेट्रो एफसी इन द गुवाहाटी सी डिवीजन लीग। विसेंजो अल्बर्टो अनिसी के बाद अब गोकुलम केरला एफसी को लीड करने जा रहे हैं रिचर्ड तवा। जी हाँ, रिचर्ड तवा गोकुलम केरला एफसी के अगला मैनेजर होंगे। वैसे अगर आप रिचर्ड तवा की बात करें तो गाइस अपने प्लेइंग डेज में रिचर्ड ने कैमरून को रिप्रेजेंट किया था। फॉर्चुना डुसेलडोर्फ जैसे क्लबों की तरफ से भी उन्होंने फुटबॉल खेले थे। एज ए मैनेजर दोस्तों वो कैमरून के अंडर 17 टीम के साथ साथ कैमरून के कई टॉप डिवीजन क्लब को मैनेज कर चुके हैं। रिचर्ड तवा जो की एक यूएफए प्रो लाइसेंस होल्डर है, आने वाले सीजन में गोकुलम केरला एफसी को क्या फिर से आई लीग का चैंपियन बना पाएंगे वो देखना आगामी सीजन में बहुत ही दिलचस्प होगा। मोरक्को के जबरदस्त विंगर नोआ सदाओई को एफसी गोवा ने साइन कर लिया है। नोआ ने बोतोला प्रो जो कि मोरक्को के टॉप डिवीजन लीग है वहाँ पे फुटबॉल खेला है। मोरक्को के नेशनल टीम को भी 4 बार नोआ रिप्रेजेंट कर चुके है। विंगर नोआ एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है और कोच को उनसे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर उनको कोच खिला सकते है। नोआ के साथ अब एफसी गोवा ने अपना सारा फॉरेन साइनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों डिफेंसिव मिडफील्डर कार्ल विघाग ने एटीके मोहन बगान के साथ अपना कंट्रैक्ट 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर लिया है। कंट्रैक्ट एक्सटेंशन के खबर हैदराबाद एफसी के कैंप से भी आ रहे हैं क्योंकि हलीचरण नर्जरी ने क्लब के साथ 2023 तक अनुबंध साइन किया है। तो गाइस एक और सीजन नर्जरी क्लब के साथ जुड़े रहेंगे।